मेरा छोटा वाला लेटा है और अपनी मौसी को मतलब छोड़ने गए थे कल्याणपुर क्रॉसिंग में, हाँ छोड़ गया है बिल्कुल। तभी यार मेरे को लोग ब्लॉग व्लॉग बना ले, और इधर तो सरप्राइज है, कुछ सरप्राइज है तो दिखाओ। ओए हाँ इधर दिखाओ, ये देख सकते हैं, हाय करो हाय। आम का जूस बनाया, ये क्या कहते हैं, वीडियो नहीं बनाता है ना ये इंस्टाग्राम पे चलता है, क्योंकि ये इसको बोलता है इंस्टाग्राम किंग नहीं तो है, ये बोलता है कि नहीं हमें नहीं समझ में आता है यूट्यूब में और इंस्टाग्राम में ये ज़्यादा बनाता है। हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। और सुबह के बज चुके हैं 7 और सब लोग मेरे घर से जा चुके हैं, तो अब मैं अपना काम करूँगी, नहाऊँगी धोऊँगी, अभी मैंने नहाया नहीं है, नहाऊँगी धोऊँगी फिर इसके बाद मैं खाना बनाऊँगी, क्योंकि मेरा खाना बना नहीं है, इसलिए सुबह ये लोग जल्दी चले गए हैं चाय पी के। और मिट्ठू मेरे भूखे हैं, मिट्ठू को किसी ने खाना नहीं दिया है, मिट्ठू भूखे हैं मेरे, तो हमने अभी उनके लिए दूध रोटी तोड़ के रखी है और मैं उनको देने जा रही हूँ। पहले मैं भरूँगी टंकी में आटा, क्योंकि कल आटा पिस के आया है, इसलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, पहले मिट्ठू को खाना दे देती हूँ। और मैं उठते ही पहले अपने थायराइड की गोली खाती हूँ, क्योंकि अगर मैं थायराइड की गोली नहीं खाती हूँ तो फिर मुझे दिक्कत हो जाती है, इसलिए सबसे पहले उठते ही मैं थायराइड की गोली खाती हूँ। आप लोगों को दिखाऊं, आप लोग ये देखिए, ये गोली मैं खाती हूँ, कुछ भी नहीं, सबसे पहले ये गोली मुझे खानी पड़ती है उठते ही। और ये देख सकते हैं मिट्ठू का खाना हो गया है तैयार। अब मिट्ठू मेरे ये देखो, ये देख सकते हैं ये इंतज़ार में बैठे हुए हैं, ये देखिए, ये देखिए, लो खाओ, खा लो बिट्टू, खाओ खाना, खाना खाओ, आ जाओ बेटा, हाँ नीचे आओ, हाँ नीचे आ जाओ, चींटी लग रही है ना, चलो खाना खा लो। तो मिट्ठू मेरे खाएंगे अब खाना। और ये देख सकते हैं कल पिस के आया है आटा, और अभी मैं टंकी में इसको भरूंगी। तो मैं सारा काम करके नहा धो के फुर्सत हो चुकी हूँ, अब मैं बनाने जा रही हूँ खाना, क्योंकि अभी मेरा खाना नहीं बना है, तो मैं बनाऊंगी खाना और फिर देखती हूँ मैं क्या बनाती हूँ, क्योंकि अपने लिए और बेटे के लिए दोनों के लिए बनाना है बस। और अभी बीच में मैं पूजा कर रही थी तो मेरी नंद के घर से फ़ोन आ रहा था बार बार, अब मैं उनसे पहले बात करूंगी कि हाँ क्यों नहीं, क्यों मतलब फ़ोन कर रही थी, 3 मिस कॉलें पड़ी थी उनकी, तो देखती हूँ। और मेरे मिट्ठू तो खाना खा चुके हैं, और राजा भैया अभी आए नहीं हुए हैं, राजा भैया आएंगे तो फिर वो भी खाना आना खाएंगे, फिर हम और राजा भैया दोनों लोग मिल के खाना खाएंगे, और फिर आगे की बात आपको बाद में बताएंगे, तो आप लोग ब्लॉग में हमारे बने रहिए। तो देखिए दोस्तों, मेरा खाना बन चुका है और राजा आ रहा है अभी, तो अब हम दोनों लोग माँ बेटे मिल के खाएंगे खाना, और मैं अभी फिर हो गई हूँ तैयार, तैयार हो गई हूँ लेकिन कहीं जा नहीं रही हूँ, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है और मैं धूप में अब कहीं नहीं निकल के जाऊँगी, क्योंकि उस दिन मैं निकल के गई थी तो मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं अब कहीं धूप में नहीं जाऊँगी और राजा जाएगा, इसलिए कल राजा के बाबा का फ़ोन आया था तो उन्होंने मुझसे बात करी, कोई उन्होंने पैसा वैसा जमा किया था राजा के नाम, तो वो कंपनी जो थी वो छोड़ के चली गई थी, लेकिन उसके ऊपर थोड़ा
बता रहे थे बाबा कि FIR दर्ज हुआ, ये हुआ वो हुआ, तो अब वो मतलब जिसका जिसका भी पैसा जमा है वो देगा, सरकार दिलवाएगी। तो मैं बोली कि पापा मतलब पूरा निकलेगा कि थोड़ा निकलेगा, कह रहे देखो पेपर में, उन्होंने पेपर में पढ़ा था, तो इनके सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं राजा जी के, ये सारे अपने डॉक्यूमेंट्स अभी जाएंगे, फिर सबकी फोटोकॉपी करवा के तब ये पापा के घर जाएंगे, मतलब कि बाबा के घर अपने देने जाएंगे। और बोल रहे थे कि राजा को भेज देना तो कूलर लगाना है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ रही है और मम्मी मेरी दवा खाती हैं, बहुत सारी दवा खाती, इसलिए उनको गर्मी बहुत लगती है, कूलर अभी लगा नहीं है, क्योंकि चाचा इनके चले गए हैं बाहर वो 2-4 दिन के लिए। तो अब राजा को मैं भेज रही हूँ, तो राजा से कह रही हूँ राजा जल्दी से खाना खा ले और बाबा के यहाँ जाओ, बाबा का घर दूर नहीं है, पास ही में है बाबा का घर। तो अब राजा जाएगा अभी खाना खा के, पहले वो अपने मामा को लेगा, फिर उसके बाद बैंक जाएगा, बैंक के बाद बाबा के घर जाएगा, फिर बाबा को सारे वो आधार का, पेन का और पता नहीं क्या क्या मंगाया उन्होंने बैंक का, सब फोटोकॉपी मंगवा रखा है, इसलिए वो उनको देने जाएगा। तो मैं हो जाऊंगी घर में बिल्कुल अकेली और मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं अकेले क्या करूंगी समझ में नहीं आ रहा है मुझको। तो देखते हैं फिर, पहले खाना वाना खाते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि राज तो सुबह जल्दी चले गए थे और हो सकता है आ भी सकते हैं, क्योंकि उनका काम होने वाला है ख़त्म, तो वो आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं। तो काम ख़त्म हो जाएगा जल्दी तो आ जाएंगे, नहीं काम ख़त्म होगा तो नहीं आएंगे। तो फिर आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। ये भी दिए दे रहे, बोतल भी दिए दे रहे। ये देख सकते गाइस साहब, मम्मी को ये भैया रहते हैं ऊपर, उनको दे रही हैं, देख सकते हैं पानी दे रही मम्मी, भैया गर्मी है ना रही है। तो और बोतल मतलब भैया जो हैं ऊपर से, ये देख सकते हैं आप, रस्सी लटका देते हैं दूसरी मंजिल से, ये लो झोला, और झोले में भैया इसके तो देना फेंकना नहीं, झोले में लटकाना बोतल, और ये बोतल को थोड़ा झोले में लटकाना, नहीं तो फेंक देंगे इसे भैया। देखा आपने गाइस, मम्मी ने झोले में भैया को पानी और बर्फ दे दी, और दिखाओ क्या करा है अभी, ये देख सकते हैं गाइस मम्मी ने क्या, अभी ये मतलब इन लोग का काम बस यही है दिन भर, नेल पॉलिश दिखाओ, नेल पॉलिश लगा दिया, लाल लाल आ रहा होगा चेहरा। तो आप देख सकते हैं भैया ने कटोरा और ये बोतल दे दी है, और अब देखते हैं राजा क्या कर रहा है, क्योंकि राजा जाने वाला है अम्मा के यहाँ। अम्मा क्या नहीं जाए अम्मा की, क्यों ये खाना पीना खा के अब रेडी हो चुके हैं, ये लो इसके मुंह पे मारूंगी। तो अब ये जाएंगे अपनी वो क्या किताब किताब लेके, फिर बदतमीजी करता है ये, नालायकी करते हो तुम, क्यों हमारे ब्लॉग में ऐसे करते हो, ये सिर्फ मेरे ही ब्लॉग में ऐसा करता है, अपने ब्लॉग में नहीं करता है। अरे मैं करूंगी, हम देखो कैसे लग रहा, गायब हो रहे, देखो आए गायब हो रहे, सुन ये देखो गायब हो गया है, वो उधर से धूप आ रही ना, देखो भगवान ऐसे आएंगे, नहीं अब नहीं लगे, अब नहीं लगे थे, अब मतलब देख लो बोतल के साथ भी खिलवाड़ कर रहा है ये लड़का। तो अब ये जाने वाला है फिर से बैंक, क्योंकि पापा ने कुछ बताया है
और वो करवाएगा जाके बैंक में फोटो कापी, नहीं पहले कापी चढ़वाएगा जाके, फिर फोटो कापी करवाएगा, फिर अपने बाबा के यहाँ जाएगा। देखते हैं, देखो देखो मिठू को कैसे परेशान कर रहा है। ए वो डर रहे बेटा, नहीं मानोगी, सुन इसको भी मैं देखो इसके भी पड़ेगी, इसके भी पड़ेगी, क्यों नहीं मान रहे हो, डंडा लाओ भी। डर रहे हैं वो, डर रहे हैं क्यों, आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि ये नालायक है कि नहीं है। शैतानी क्यों करते हो, चलो जाओ। देख लो देख लो, मेरे मुंह पे बोतल फेंक के मार रहा है, ले बहुत हराम खोर। देखो 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 है, पागल हो गए हो क्या, क्यों इतनी पगलैती करते हो। गाइस तो आप देख सकते हैं मम्मी को, इनको परेशान करते रहते ऐसे ऐसे हरदम, ऐसे ही इनको परेशान करते रहते बस दिन भर, ऐसी मम्मी सबको मिलनी चाहिए परेशान करने वाली। हाँ। ताकि परेशान करो, गोदी उठा ले, नहीं नहीं अरे पगला हो क्या, गिर जाएगा मोबाइल भी। ओए देख देख सकते हो आप लोग, बेटा मार जा, गोदी में नहीं उठा, बारी हो गए अब हम, हटो अच्छा बारी हो अब बारी हो गए, अब ये गोदी में उठाएगा हमको, और कभी कभी ये भी कहता है मम्मी मुझको गोदी में उठाओ, ऐसा कोई बेटा होगा इतना बड़ा हो जाएगा बोलेगा मम्मी हमको गोदी में उठाओ, नहीं होगा। तो राजा चला गया था, मतलब बैंक भी गया था, दादी के यहाँ जा रहा था, तो वो दादी के यहाँ नहीं गया क्योंकि बैंक से ही वापस आ गया, फिर मामा के साथ में था और मामा के घर पे कोई आ रहा था, तो इसलिए उसने मतलब फिर दादी के यहाँ नहीं गया और सीधे बैंक से आके उसको किताब चढ़वानी थी, तो सीधे बैंक से आके वो घर आ गया, बोला मैं आराम करूँगा। देख सकते हैं ये, देखिए आपको दिखाते हैं, ये देख सकते हैं आराम से सो रहा है, और अभी अभी एक घंटे सोएगा, फिर इसके बाद एक घंटे सोने के बाद में फिर ये उठेगा, तो फिर ये मुझको दूध ला के देगा दुकान से, तब फिर मैं जूस बनाऊंगी इसके लिए, क्योंकि इसको जूस बहुत पसंद है, तो हमने आम छील के रख दिया है अभी फ्रिज में, और जब ये उठेगा दूध लाएगा तो मैं जूस बनाऊंगी, और तब ये पिएगा, हो सकता है तब बाबा के यहाँ जाए, और अगर नहीं जा पाएगा बाबा के यहाँ तो ये कल जरूर जाएगा, क्योंकि बाबा को वो सब फोटो वोटो कापी देनी है और उसके बाद उनका कूलर सेट करना है, तो ये देखते हैं क्या करता है, ये इसके उठने के बाद ही पता चलेगा कि ये क्या करता है, इसको अभी हम सोने देते हैं। तो देखिए हमने मतलब इन लोगों के लिए जूस बना के रखा, और ये लोग लापता हो गए कि हाँ, और अभी राज भी नहीं आए हैं, इसीलिए फिलहाल और जूस हमारा बन गया है, आपको दिखा सकते हैं। और ये मैं तो पहले पी चुकी थी, ये देखिए ये राजा के लिए है, और ये भाई मेरा छोटा है, उससे बहुत छोटा है, और देख सकते हैं मामा के दिन में मिले थे, ये देख सकते हैं आप, वीडियो ये बना रहे हैं अभी आपको दिखा रहे हैं, मेरा छोटा वाला लेटा है और अपनी मौसी को मतलब कल्याणपुर क्रॉसिंग में छोड़ गया है बिल्कुल, तभी यार मेरे को लोग ब्लॉग व्लॉग बना ले, और इधर तो सरप्राइज है, कुछ सरप्राइज है तो दिखाओ, ओए इधर दिखाओ, ये देख सकते हैं, हाय करो हाय, आम का जूस बना, ये क्या कहते हैं, वीडियो नहीं बनाता है ना ये इंस्टाग्राम पे चलता है, क्योंकि ये इसको बोलता है इंस्टाग्राम किंग नहीं तो है, ये बोलता है कि नहीं हमें नहीं समझ में आता है यूट्यूब में और इंस्टाग्राम में, ये ज़्यादा बनाता है, बढ़िया जूस बना, बहुत गजब का जूस बना, एक नंबर जूस है, मतलब ओ जूस तो मैं अच्छा बनाती हूँ, और क्या
वेरी गुड थैंक यू, वो देखो थैंक यू बोल रहा है, वेरी गुड थैंक यू सरी, मेरी सिस्टर सिस्टर बोल रहा है, मेरी सिस्टर ने बहुत अच्छा जूस बनाया है, और बेटा भी बोल रहा है क्योंकि मैं जूस अच्छा बनाती हूँ इसलिए। मैं जब जब आता हूँ आपके हाथ कई, जब मैं आया हूँ तभी आपने जूस बनाया, मेरे को तभी पीने को मिला। हाँ बाकी दुकान पर तो बहुत पीता हूँ। अच्छा नहीं अच्छा लगता है। अच्छा पर अपनी दीदी का हाथ का जूस मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा बहुत धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखो मेरे भाई ने क्या बोला कि दीदी का हाथ का जूस बहुत अच्छा लगता है, तो मैं जूस इतना अच्छा बनाती हूँ और जब बाज़ार का जूस पीती हूँ ना तो बहुत मुझे कड़वा लगता है, इसलिए मैं बाज़ार का जूस पीती ही नहीं। जब भी मुझे पीना होता है तो मैं अपने घर में ले आती हूँ आम और अपने घर में ही बनाती हूँ। तो अभी राज लोग तो आए नहीं हैं क्योंकि उन लोगों के लिए भी रखा हुआ है, और जब वो लोग आ जाएंगे तो वो लोग पियेंगे। और मुझे लग रहा है कि अब मुझे वीडियो यहीं एंड कर देनी चाहिए, और मतलब कल हमने ब्लॉग नहीं बनाया है, आज आप लोगों को ब्लॉग नहीं मिल पाया है, इसलिए उसके लिए मैं बहुत बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ सब कुछ। और जो भी गलतियाँ हो कमेंट में ज़रूर बताइए कि हाँ ये गलतियाँ हुई हैं आपसे। तो मैं वीडियो को यहीं एंड कर रही हूँ। ओके और जूस पिलाओ भाई, राजा जी जूस पिलाओ गाइस को, ये लीजिए आप लोग भी जूस पीजिए। तो मैं वीडियो को यहीं एंड कर रही हूँ क्योंकि 8 बजने जा रहे हैं, इसलिए मैं आप लोगों को गुड नाइट करती हूँ।